पब्लिक का व्यक्ति है, उसे नहीं पता लगता कि मेरे फाइल क्यों पेंडिंग है, कहाँ पेंडिंग है। कई बार हमें विभिन्न माध्यमों से आदमी अप्लाई करता है, रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरी फाइल को 1 महीना हो गया, मेरी फाइल को 15 दिन हो गए, मेरी फाइल को 3 महीने। व्यक्ति को चाहे वो रिटायर हो, चाहे वो मृत उनके परिवार से हो, चाहे वो सर्विंग पुलिस ऑफिसर हो, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं। जानकारी लेने के लिए आपको स्पेशली मान लीजिए आपकी फैमिली है किसी और जिले में रहती है, आप रिटायर होकर कहीं और रह रहे हैं। अरे मैसेज यार, कि भाई मदौरा में कितनी फाइलें डिले में चल रही है, तो मदौरा की सारी फाइलें उसमें आ जाएंगी। कि भाई मदौरा में ये 10 फाइलें हैं, जो भी टाइम हमने सेट किया कि 7 दिन से ऊपर हो चुकी है, तो वो सारी फाइलें इसमें आ जाएंगी। कि भाई मदौरा में 10 फाइलें हैं जो समय निर्धारित किया गया थाने के वेरिफिकेशन के लिए, उससे ऊपर चल रही है। इसी तरह वो उसका ट्रैकिंग सिस्टम है, हर प्रकार की वेरिफिकेशन पे ये चीज लागू होगी। तो ये हमारा जन सुविधाओं वाला पार्ट था जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जाके हो सकता है इसमें और चीजें इंक्लूड करें, बट फर्स्ट हमारा प्रोसेस ये था कि जो बेसिक सर्विस डिलीवरी है वो हम इंश्योर कर सके। अब रिगार्डिंग टू इसका, इसी पोर्टल का एक सेकंड पार्ट है जो पुलिस कर्मियों के लिए है। पुलिस कर्मी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उन्हें विभाग से मिलती है। नीचे आ जाइए, इस पर क्लिक कर दी तो आप यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि आपने अपना टाइप सेलेक्ट किया, कौन सा वेरिफिकेशन टाइप है, आपने फाइल नंबर डाला, आपने सर्च किया, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी फाइल इस समय कहाँ पेंडिंग है। अब जैसे ये कही हुई है कि भाई सेंड टू पीएस वगैरह, भी ये डेमो वर्जन है तो ये इसमें आपको बेसिक डिटेल दिखाई दे रही है। इसके बाद इसमें आदमी को अपनी सारी चीजें बता देंगे कि भाई मैंने इस डेट में अप्लाई किया था, ये मेरा फाइल नंबर है, और सेंड टू पीएस के साथ साथ यहाँ पे उसकी डेट भी आ जाएगी कि उसकी उस थाने पर किस डेट में गई है, तो उसमें पता रहेगा कि भाई मेरी फाइल कहाँ गई है, किस प्रकार से गई है। तो उन सब चीजों को देखते हुए व्यवस्था बनाई गई है। नेक्स्ट, ये एक जनरल प्रॉब्लम इन सभी चीजों में है कि भाई फाइल, इन सभी चीजों में फाइल मूव होती है, सैलरी और जीपीएफ को छोड़ के बाकी चारों में फाइल्स चलती है, जो सर आपने देखा होगा सरकारी सिस्टम में। तो उसमें बहुत बार ये होता है कि पुलिस कर्मियों को भी ये पता लगता है कि मेरी फाइल अगर मेडिकल क्लेम की है, मैंने सबमिट कर दी है, तो वो कहाँ पेंडिंग है, वो एसएसपी के पास पेंडिंग है, वो सीएमओ के पास पेंडिंग है, वो अकाउंट्स में पेंडिंग है, बजट आया नहीं आया, उसको हर बार पूछने आना पड़ता है, वो अपने थाने से ड्यूटी छोड़ के आएगा, यहाँ आके पता करेगा, फिर यहाँ को कहेगा कि नहीं वहाँ है, तो उसको अलग अलग चक्कर भी काटने पड़ते हैं, कई बार उससे भी अलग अलग डिमांड की शिकायत लोग करते हैं। उन सारी चीजों को देखते हुए ये व्यवस्था को लागू किया गया है जिसको भी स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब फॉर एग्जांपल मेडिकल क्लेम, तो हमारा जो प्रोसेस है वो लगभग सेम रहेगा हर एक में, कि व्यक्ति जैसे ही अप्लाई करेगा, पुलिसकर्मी भी जब अप्लाई करेगा, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड उसका अपना रहेगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से, वो लॉगिन करके अपने पोर्टल पे देख सकता है कि उसने अगर मेडिकल क्लेम फॉर एग्जांपल अप्लाई किया है तो उसकी फाइल आज की डेट में कहां पेंडिंग है। जो एक बेसिक सर्विस डिलीवरी है, जो किसी भी सरकार का काम है कि हम व्यक्ति जब सर्विस के लिए अप्लाई करें तो उसको सिस्टमैटिक तरीके से जानकारी भी रहे और समय पर तरीके से उसको मिल भी जाए कि भाई उसकी प्रॉब्लम को, उसका जो सर्विस है उसकी डिलीवरी हो जाए। नेक्स्ट, अब ये जो पोर्टल हमने बनाया है मथुरा पुलिस पोर्टल, इसके माध्यम से एक बेसिक हमने सिस्टम बनाया है, तो वो सिस्टम पहले मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम इस प्रकार से है कि हमारे यहाँ पे उस फाइल का प्रॉपर एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म बनाया गया। ट्रैकिंग मैकेनिज्म यानी कि वो फाइल जब जनरेट हुई तो एसएसपी ऑफिस में आई, फिर वो थाने गई, थाने से जहां भी गई, हर स्टेज पे उसमें हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि आज की डेट में अगर वो फाइल एसएसपी ऑफिस से थाने गई तो ठीक है, 29 अक्टूबर 2022 को वो फाइल थाने में चली गई है, तो आज से थाने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा काम करना कि वो थाने पर कितने दिन से पेंडिंग है वो। फिर जब थाना उसको वापस भेज देगा तो हमारे रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा कि 5 नवंबर को थाने से प्राप्त हुई, 5 नवंबर को या 6 नवंबर को एलआईओ ऑफिस भेजी गई, 10 को एलआईओ से आई, तो हर स्टेज पे फाइल किस समय कहां पेंडिंग है, किस कार्यालय में, ये हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, और कितने दिनों से वहां पेंडिंग है, क्या वो 7 दिन से पेंडिंग है, 15 दिन से पेंडिंग है, 1 महीने से पेंडिंग है, और ये
जनपद मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मथुरा पुलिस की एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें जो नागरिक सुविधाएं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं और हमारे पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, उन सबको किस प्रकार से एक पारदर्शी तरीके से, जवाबदेही के साथ और समयबद्ध तरीके से उन सेवाओं को मथुरा पुलिस दे सके, इसके अनुपालन के लिए, इसको आसान बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मथुरा पुलिस के द्वारा, यहाँ पर एसएसपी के द्वारा नागरिक सेवाओं के विषय में इतने संजीदगी के साथ, इतनी सेंसिटिविटी के साथ और काम की जवाबदेही फिक्स करने के लिए ये प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसको निश्चित ही हम जोन के बाकी जिलों में भी इम्प्लीमेंट कराएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां एक ओर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके पेंशन, तनख्वाह, मेडिकल क्लेम इत्यादि जो बाकी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने में एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना उनको परेशान हुए हमें सुविधाएं दे सकेंगे, वहीं नागरिकों को भी उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन और बाकी अन्य सेवाओं को भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से समयबद्ध रूप में दे पाएंगे। अभी जो एसएसपी मुद्रा साहब ने आपको एक प्रेजेंटेशन दिया और जो मॉडल प्रस्तुत किया वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बट दो तीन चीजें जो उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। शासन स्तर पर लगातार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि सभी स्तरों पर, सभी लेवल्स पर जो जवाबदेही है उस जवाबदेही को फिक्स करने के सिस्टम होने चाहिए। पब्लिक सर्विसेज या पुलिस वेलफेयर के जो बिंदु हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन दोनों ही चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से एसएसपी मथुरा साहब ने इस ऐप के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों तक और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वहां पहुंचाया है। अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो, मैं इसके आगे नहीं कहना चाहूंगा, नहीं है इसमें, सिर्फ मैं यही बात कहूंगा कि इसका क्रियान्वयन इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि लगातार डेटा को अपडेट करने का सिस्टम बना रहे, क्योंकि अगर इतना अच्छा सिस्टम बनाने के बाद वो डेटा अपडेट नहीं होगा तो उसकी, इसका प्रभाव या इसकी उपयोगिता उस स्तर तक ही प्रभावित होगी। तो आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो, आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू आंसर योर क्वेश्चंस।